जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरा मेडिकल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2021 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें जनरल हिंदी, सामान्य ज्ञान, ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। इस बार जितनी भी मेहनत करनी पड़े दिन रात एक कर देंगे, और इस बार वर्दी लेकर रहना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं सभी बच्चों को, यदि आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है गाइस कि इनमें से किसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला एक शब्द है। पक्षी, अंडाणु, अंडज, अंत्यज, बताइए क्या आंसर होगा। इनमें से किसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला एक शब्द होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका अंडज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध, मोती, बताइए क्या आंसर होगा। अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। टी वाला जो ऑप्शन है आपका मोती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है। अमृत लाल नागर के उपन्यास मानव का हंस की कथा वस्तु है। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हंसमुख बुद्धकालीन भारत, लोरित चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास, बताइए क्या आंसर होगा। अमृत लाल नागर के उपन्यास मानव का हंस की कथा वस्तु है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास का मानसिक विकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों में बुजुर्गों की खाली स्थान खराब रखी है। मिट्टी, बालू, सूरत, दिमाग, ऑप्शन पढ़िए आप क्या है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खालिस्तान खराब कर रखी है, बताइए क्या आंसर होगा। मिट्टी खराब कर रखी है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना, बताइए क्या आंसर होगा। चैन की बंसी बजाना यानी कोई आपको टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, यानी कि सुख से रहना, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर साय, कुंवर नारायण, त्रिलोचन, बताइए क्या आंसर होगा। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रघुवीर साय, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला शब्द है तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल, बताइए क्या आंसर होगा। आंसर सभी बच्चे दें, ऑप्शन सी जो है आपका तत्कालीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने मेरे द्वारा दिए गए सारे सेट लगा लिए तो मैं गारंटी देता हूं जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन, ए बी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप डेली ईमानदारी के साथ दोनों क्लासेस ज्वाइन करें। पहली जो क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हराले में ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है। यदि छोड़ते हैं तो घाटा आपका ही होगा, मैं गारंटी देता हूं। जितने भी सेट मैं आपको करा रहा हूं, यदि आपने ईमानदारी के साथ सारे सेट लगा लिए तो आपके जीके जीएस और जनरल हिंदी के क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा। ठीक है, उसी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु, बताइए क्या आंसर होगा। कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं।
इसे कहते हैं कर्दन तत्व। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्या है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, खाली स्थान, नाम श्याम है, जिसका, उसका, इसका, किसका, बताइए क्या आंसर होगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, बताइए क्या आंसर होगा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन है कि भोर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर, विहान, निशांत किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, शाम, प्रभात, संध्या, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका प्रभात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऐसा कि तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, का, में, पर, बताइए क्या आंसर होगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो, वाचाल, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, जो मापा ना जा सके, अप्रमेय, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको होगा विश्वसनीय, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ये जोड़ा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अवेग, दुर्भेद, बताइए क्या आंसर होगा। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भेदा ना जा सके, ऑप्शन सी जो है आपका अवेग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्याल, उरंग, पतरंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार, सांप, बताइए क्या आंसर होगा। प्याल, उरंग, पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन जो डी है आपका सांप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, अविधिवाच्य, बताइए क्या आंसर होगा। यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन बी जो है आपका भाववाच्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृत लाल नागर, बताइए क्या आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका मन्नू भंडारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। सभी क्वेश्चन के आंसर जरूर बताएं आप लोग, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम का टाइम बहुत ही करीब है, मई में एग्जाम आयोजित किया जाना है, समय बहुत ही कम है आपके पास, समय का उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए आप लोग। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शर, श्रद्धेय, तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, बताइए क्या आंसर होगा।
ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कर्म, उपसर्ग, प्रत्यय। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, बहुत ईमानदारी के साथ। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु कहलाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, सामान्य ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 13, 14। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन बी जो है आपका 12 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 146B, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 1220, अनुच्छेद 101B। बताइए क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 101B। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन गाइस है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टॉलिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया, सिंगापुर येन। बताइए क्या आंसर होगा? सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सो गाइस, सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। तो जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या 5 बार? बताइए क्या आंसर होगा? जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 2 बार नोटबंदी कब कब लगी है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अभिनंदना। बताइए क्या आंसर होगा? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो वह बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर की एसआई इकाई है प्रकाश की तीव्रता, विद्युत प्रभाव, विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में। बताइए क्या आंसर होगा? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी सिक्स का दूसरा नाम और क्या है? थायमिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, रिबोफ्लाविन। बताइए क्या आंसर होगा? कौन सा विटामिन बी सिक्स का दूसरा नाम और क्या है? जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पायरिडॉक्सिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। बताइए क्या आंसर होगा? जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। द 3 मस्केटियर्स।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च, 27 जुलाई। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 27 जुलाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यार आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का देखिए क्या है। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे डी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुतलिंजर पुरस्कार दिया जाता है? खेल, औषधि, पत्रकारिता, फोटोग्राफी। बताइए क्या आंसर होगा, किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुतलिंजर पुरस्कार दिया जाता है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। बताइए क्या आंसर होगा, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गृह मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? डॉन ऑफ द वेदास, द ओरायन, यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन में टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, डॉन ऑफ द वेदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान। बताइए क्या आंसर होगा, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मालदीव। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। बताइए क्या आंसर होगा, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऋग्वेद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का है कि भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? बनबसा, काला पानी, जोगबनी, रुपई, टीहा। बताइए क्या आंसर होगा, भारत और नेपाल के बीच विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, काला पानी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया है? यहां से आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्या आंसर होगा, किस व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया है? जो भी बच्चे सी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, महात्मा गांधी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, नाला को साफ करने के लिए कौन सा पाउडर का उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, सफेद पाउडर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी आंसर दे सभी बच्चे। नाला को साफ करने के लिए कौन से पाउडर का उपयोग करते हैं? जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन से जैविक कचरे हैं? कचरे का ड्रम, डिस्पोजल कप, ब्लड बैग, सीरीज। बताइए क्या आंसर होगा, इनमें से कौन से जैविक कचरे हैं? जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, डिस्पोजल कप, बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस फल के रस का उपयोग करने के लिए सफाई के लिए किया जाता है? किस फल का रस का उपयोग करके सफाई के लिए किया जाता है? नींबू, अंगूर, संतरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नींबू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पश्चिमी सभ्यता के लोगों के शौचालय की एक शैली में क्या भिन्न है? बैठने की सीट, दो पैर की सीट, ऊपर होने वाला सीट, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, पश्चिमी सभ्यता के लोगों के शौचालय की एक शैली में क्या भिन्न है? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसका उपयोग करके मक्खी और कीड़ों मच्छरों को रोकने के लिए किया जाता है? ब्लैक हिट, लाल हिट, मैक्सो, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, किसका उपयोग करके मक्खी और कीड़ों मच्छरों को रोकने के लिए किया जाता है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ब्लैक हिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन का है, किसानों के मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? कौवा, केंचुआ, बगुला, कबूतर। बताइए क्या आंसर होगा, किसानों के मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी बच्चे बी वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, केचुआ। अगला क्वेश्चन, उपयोग हुआ ग्लव्स कहाँ फेंका जाता है? उपयोग किया हुआ ग्लव्स जो है ये कहाँ फेंका जाता है? नीला डस्टबिन, काला डस्टबिन, लाल डस्टबिन, सफेद डस्टबिन। बताइए क्या आंसर होगा, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, उपयोग किया हुआ जो ग्लव्स होता है ये लाल डस्टबिन में फेंका जाता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अस्पताल में लाल डस्टबिन वाले कोड को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 31L/31L। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अस्पताल की खिड़कियों के शीशों को किससे साफ किए जाते हैं? कॉलिन, नीला हार्पिक, हरा हार्पिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। जो भी बच्चे ऑप्शन ए पर क्लिक कर रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कॉलिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग।